ये देखिए दोस्तों, लगभग मैं अब गीता का पीसल हो ही चुका है। ऐसा माना जाता है कि अगर कुमारी लड़की अगर इसको देखा, हमारे दो बहनें और आ गई अदौरी पढ़ने। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं अदौरी बनाने का जी, अदौरी ना। तो ये देखिए, ये मूंग के दाल है। गीता रात में इसको फूलने के लिए डाल दी थी और ये फूल गया है, तो अभी धो रही है। और इसको अभी धो के और सिलौट में फिर पीसेगी और फिर रक्षा के साथ मिक्स करके अदौरी बनाएगी, जिसको आप लोग भथुआ के नाम से भी जानते होंगे। तो अभी हम लोग वही जा रहे हैं अदौरी बनाने। तो अभी देखिए, गीता धो के और छान रही है मूंग का दाल। छान जी फटफट का। और गीता को सिलबट में पीसने में आसानी होगा, क्योंकि गीता रात में ही डाल दी थी मूंग की दाल फूलने के लिए। और ये सब हमारे घर बराबर बनते रहता है, क्योंकि जब माँ थी तो माँ भी बनाती रहती थी और गीता भी है, तो गीता भी आज जल कुछ न कुछ बनाती रहती है। क्योंकि अदौरी का सब्जी हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हर साल बनता है। तो ये देखिए, इतना सारा मूंग का दाल है और अभी जा रही है गीता इसको सिलौट पर पीसने जी। चलो तो, और ये देखिए पानी गिर गया था तो पानी छोड़ दे रही है। चलो खुशी में हाथ धो लो। हाँ, गाय पीना होगा, छोड़ दो, दरवाजा बंद कर दो। तो ये देखिए, पीसने के लिए अच्छा सा भी सिलोट धो ले रही है और अपने घर पे नहीं पीस रही है, क्योंकि सिलोट हम लोग का थोड़ा ये है ना, लाइन लाइन है, वो घिस गया है। इसमें जल्दी पिसा जाएगा, इसमें अच्छा है और हम लोग वाला में घिस गया काजी। और ये देखिए, मेथी इसको भून ली है, इसको इसमें डालेंगे भी पीसे के साथ में, ताकि टेस्ट टेस्टी बढ़े। डाल दे। और ये देखिए दोस्तों, सारा मेथी इसमें डाल दे रहे हैं, साथ में ये भी पिसा जाएगा अच्छे से। तो देखिए, गीता सिलोट पर पीसना कर दिए शुरू और अभी से ही मेथी का सुगंध आने लगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, लगभग मैं अब गीता का पीसल हो ही चुका है जी। और हाथ दर्द दे दी होगा, क्योंकि इतना पीसने में देख रहे हैं, इतना पीसी है आज, तो पूरा पखुरा इसका दर्द देगा, दर्द दे रहा है, बाद में पता चलेगा। तो सारा मूंग के दाल पीस ली है और ये देखिए अब उठा रही है। तो ये देखिए, अब पूरा पिसल हो गया, सिलौट धो रही है। चलो हो गया, ले ले तो वो सब ले लो। तो ये देखिए, पूरा पिसा गया और हम लोग चलते हैं बनाने। आप लोग इसे इसी तरह वीडियो में बने रहिए। तो ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं रक्षा, और यहाँ पे भथुआ भी कोई कोई बोलते हैं। और आप लोग भी इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से इसको जानते हैं, आप लोग कमेंट कर बताइएगा हम लोग को काजी। और इसके फाड़ने के पीछे एक जान रहे हैं, देहाती में एक लॉजिक है, इसको कुंवारी लड़की इसको नहीं फाड़ सकती है। या जिसको ये सिर्फ वही लोग फाड़ते हैं जिसको है, बड़े बुजुर्ग लोग फाड़ते हैं, जो बच्चा को मतलब पैदा नहीं करना चाहते हैं, वही उन्हीं लोग फाड़ते हैं इसको। तो अभी भाभी फाड़ रही है, ये देखिए पशु से। ऐसा माना जाता है कि अगर कुमारी लड़की अगर इसको फाड़ेगी, तो जब उसका पैदा होगा बच्चा, तो क्या होगा जी, राक्षस पैदा लेगा। ऐसा देखिए गांव में क्या क्या लॉजिक यहाँ पे है। तो ये देखिए, गीता नहीं फाड़ रही है इसी डर से कि कहीं हमारा भी बच्चा राक्षस पैदा ना ले ले ना। इधर बच्चा सब मजा ले रहा है, ऐसे बोल रहे हैं तो। वाह रे वाह, 2.5 किलो मजा ले लिया ये बच्चा, देख रहे हैं। नखे फटक का हो, मारा ना धार था। हाँ, वैसे टंगिया से मारो ना चाहा तो। ये
ये देखिए पूरा नहीं फट रहा था तो पशु लगा के ऊपर से टांगी के पास से मार है फाड़ रहे जबरदस्ती। ए बाबू बड़ा जबरदस्ती है ये अरे रंगन हाला मत कर बाबू करो मत इहो कादम पथले बन गले का हो नखे फटे के नाम लेवत के भाभी के खार दिए अब आगे क्रियाक्रम ये गीता करेगी ये देखिए फट गया और यह खोखोरनी जो लोहा के है इसका जो जितना अंदर का गुद्दी है इसी के खोखोरे की अभी गीता जो आप लोग को वीडियो में हम दिखाएंगे लो जी। और जो भथुआ में दाना होता है उसको देखिए गीता भी निकाल रही है एक एक करके सारा दाना भी निकाल देगी ताकि जब अदौरी का सब्जी बने तो उसमें दाना ना पड़े क्योंकि दाना चिबड़ने पर थोड़ा सा अजीब लगता है इसलिए सारा दाना निकाल दे रही है। तो ये देखिए इसमें से पूरा दाना निकाल ली गीता एक का पूरा दाना निकाल ली अब इसको खोखरेगी एक और अभी निकाल ली उसका दाना निकाल जब निकाल लेगी तो इसमें से पूरा गुद्दी जो दिख रहा है आप लोग को खोखोरनी से खोखरेगी। और इधर देखिए बच्चे सब बैठ कर आराम से एकदम देख रहे हैं कि कैसे कैसे बन रहा है। रे बाबू हेलो नमस्ते प्रणाम प्रणाम। तो ये देखिए दोस्तों पूरा दोनों में से पूरा दाना निकाल लिया है गीता बीज जो बीज था ये देखिए बहुत बड़ा बड़ा इसका बीज भी होता है पूरा निकाल लिया दाना। और भथुआ में जो मेन मटेरियल होता है अदौरी बनाने के लिए उसको देखिए गीता किस प्रकार से निकाल रही है ये देखिए पूरा गुद्दा निकालना आप शुरू कर दी उसी से बनता है उसी को मिक्स करके अभी बनाएगी। तो अब देखिए हमको लगे गीता सिलोर पर भी बहुत पीसी है घंटा और यहाँ पे भी खखोरना पड़ेगा तो इसका हाथ दर्द रहा होगा तो हमको लगा कि खखोर देना चाहिए तो इसीलिए हम खखोर दे रहे हैं काजी काम कर दे रहे हैं तुम्हारा। बाबू बैठो। तो ये देखिए दोस्तों रक्षा के गुद्दी पूरा खखोर लिए हम लोग मिलके और इसमें अब ये डाल रही है डालो जी ये देखिए दोनों को भी मिक्स करेगी और इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं डाले हैं खाली मूंग का दाल है और उसमें मेथी है और ये रक्षा के जो अभी दिखाए खोखोर खोखोर के डाले गुदी वही चीज़ है बस और इसमें उसके अलावा कुछ नहीं है और अभी इसको अच्छा से मिक्स करेगी गीता। और जब ये अच्छा से पूरा मिक्स हो जाएगा तो हम लोग अदौरी पारना कर देंगे शुरू और लगभग में ये हो ही चुका है चलिए अब चलते हैं। तो हम लोग लेकर छत पर आ गए हैं दोस्तों अब बनाना आराम से करते हैं शुरू। बाबू का क्या हुआ जी इतना कहे लोग रो रहा है पता ना कोई मरले होता है और छत पे पार रहे हैं हम लोग नीचे क्या है कि उजाड़ के दिन है ना तो गाय बैल इधर उधर कूदते रहता है तो देखना पड़ेगा बैठ के और इस पे देखना तो है नहीं छत पे इसीलिए कर रहे हैं काजी। अरे खाई है कि नहीं खाई है कुछ भी बोलते हैं तो बोलते हैं और दो। और पहले हम आप गीता ही अदौरी बना रहे थे लेकिन जब हम लोग के अदौरी बनाते हुए देखी हमारी बहना तो हम लोग के काम में हाथ बटाने आ गई। और ये देखिए फ्रेंड्स गर्मी के दिनों में हमारा गांव मोहल्ला इस प्रकार से दिखता है।
तो अदौरी बनाने का अब कार्यक्रम हम लोग को हो चुका है पूरा खत्म। चलो तो इतना ही देर में पूरा हालत खराब कर दिया, बाप रे बाप बोलते। तो हम लोग का अदौरी पालन हो गया, हम लोग पूरा कर दिए और हम लोग नीचे उतर रहे हैं छत से। काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगा। पकड़ो जी मोबाइल पकड़ो, हमको उतरने दो तो धरा देना। काहे जी मोबाइलवा में का देख रही है, हैं मोबाइलवा में घुसे किरादा है का, घुस जाओ घुस जाओ। तो ये देखिए दोस्तों अदौरी बन के हो गया पूरी तरह से रेडी। अब हम लोग इसका सब्जी बना के खा सकते हैं, लेकिन सब्जी बनाने से पहले इसको हम लोग पानी में डुबोकर कुछ मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद ही सब्जी बनाते हैं। बाबू का खा रहा है? ये वाला डाल दिया काजे का को? नहीं। तो ये देखिए सूख के बहुत थोड़ा सा हुआ। तो चलिए आप लोग का आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।